हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि चुनाव 2016 में हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पलटवार किया, कहा कि सरकार अपनी टर्म ना सिर्फ पूरी करेगी बल्कि फिर से सत्ता में आएगी। हिमाचल प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान न हुआ हो, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी रफ्तार पकड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि प्रदेश में साल 2017 में नहीं बल्कि 2016 में ही विधानसभा के चुनाव होंगे। तो मुझे जो राजनीतिक अंदाजा लग रहा है, चुनाव 2017 में नहीं 2016 में होगा। धूमल के बयान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कड़ा पलटवार किया है। वो कब से जोखी बन गया है, सरकार मजबूत है, सरकार के पास बोल बहुमत है और जब तक हमारे कार्यकाल खत्म नहीं होता तब तक सरकार चलेगी और फिर चुनाव लड़ेगी और अगले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हिमाचल की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। साथी सरकार कांग्रेस की सरकार उन्हें अस्थिर करने की लगातार कोशिश चल रही है। बीजेपी वाले लगातार कोशिश कर रहे कि किसी भी ताक दे नाल राज्य की छवि खराब की जाए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2017 में प्रस्तावित है, लेकिन प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। मनाली से संदीप सिंह, ऊना से राकेश मलही, जी मीडिया। फरीदाबाद के गुर्जर समाज ने महापंचायत में कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जो सामाजिक बदलाव की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और महापंचायत ने शादी ब्याह जैसे समारोह में शराब, डीजे, मांस के प्रयोग पर बैन जैसे कई बड़े फैसले लिए। शादियों में दहेज, डीजे, शराब के दौर और ऐसी तमाम फिजूल खर्ची पर अब बैन लगने वाला है। फरीदाबाद की गुर्जर समाज की महापंचायत ने बैठक कर ये बड़ा फैसला लिया है। महापंचायत के फैसले के मुताबिक शादियों में दहेज और गाड़ियों के दिखावे पर बैन, डीजे या तेज संगीत और शोर शराबे पर रोक, गोद भराई और सगाई जैसे अवसरों पर मेहमानों की संख्या 21 और शादियों में 100 तक सीमित हो, गर्मी की जगह सर्दी के मौसम में शादी करवाने पर जोर, सामाजिक समारोह में शराब और मांस के प्रयोग पर बैन, समारोह में हथियारों के प्रदर्शन और आतिशबाजी पर पूर्ण पाबंदी। गुर्जर समाज ने सामाजिक समारोह में शामिल ऐसी कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, जिसे फरीदाबाद के 50 गांव के पंचों और सरपंचों ने सर्वसम्मति से ये फैसला कर इस समाज सुधार के लिए जरूरी बताया। ये पंचायत हमारे ऑल ओवर इंडिया चल रही है। आज की जो पंचायत है जी, ये जिला फरीदाबाद की है। इस संदर्भ में मीटिंग है कि जो समाज में फैली कुरीतियाँ, डीजे, शराब, फिजूल खर्ची, इसके ऊपर प्रतिबंध हो और समाज में जो युवा पीढ़ी है उसमें एक अच्छे संस्कार आए। महापंचायत में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया है। यदि आपका फाइनल डिसीजन कोई गांव या कोई आपके समाज का लोग नहीं मानते तो क्या कोई दंड का प्रावधान रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, वो हमारी नेटवर्क कमेटी तय करेगी, वो अमाउंट भी होगा, उसका समाज में बहिष्कार भी होगा। गुर्जर समाज आने वाले समय में एनसीआर और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी महापंचायत करेगा ताकि इन नियमों को देश भर में लागू किया जा सके और एक बेहतर समाज की कल्पना साकार हो पाए। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद।